नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आपका स्वागत है। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन के 29वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सनराइजर हैदराबाद की टीम को 20 रनों से हरा दिया। इस मैच में सीएसके की टीम ने बेहतरीन क्रिकेट खेला। टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों ने ही अपने अपने रोल को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया। इंडियन प्रीमियर लीग का 29वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन में बेहद ही खराब शुरुआत के बाद महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स संभलती हुई दिखाई दे रही है। आईपीएल 2020 में अब तक खेले गए मैचों में एमएस धोनी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन एक ऑनलाइन सर्वे में उन्हें T20 का किंग चुना गया है। ये सर्वे देश के पहले ऑनलाइन स्पोर्ट्स रेडियो चैनल स्पोर्ट्स फ्लैश द्वारा करवाया गया था। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इस सर्वे में 12 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था और इसकी जानकारी चैनल द्वारा दी गई है। इसके लिए पूरी दुनिया की अलग अलग टीमों से 128 क्रिकेटरों को चुना गया था और अलग अलग स्टेज के 127 मैचों के बीच दिलचस्प और रोमांचकारी लड़ाई हुई। इस सर्वे में जिन क्रिकेटर्स को शामिल किया गया था वो उनके पिछले प्रदर्शन, एक विशेषज्ञ पैनल और स्पोर्ट्स फ्लैश के कमेंटेटर द्वारा वर्तमान इंडियन प्रीमियर लीग के मूल्यों के आधार पर चुना गया था। इन सभी 127 मैचों के लिए वोट स्पोर्ट्स फ्लैश के सोशल मीडिया हैंडल पर हुआ था। इस सर्वे के सेमीफाइनल में एमएस धोनी का मुकाबला युवराज सिंह के साथ था, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में मुकाबला रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच था। इसके बाद फाइनल में एमएस धोनी और विराट कोहली के बीच मुकाबला हुआ, जहां एमएस धोनी को T20 का किंग चुना गया। बता दें, इस सर्वे पर स्पोर्ट्स फ्लैश के फाउंडर ने बताया कि इसका जो परिणाम आया उससे ये साबित होता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद भी फैंस एमएस धोनी को ही क्रिकेट का किंग मानते हैं। उन्होंने देश के लिए जो किया है उसकी वजह से वो क्रिकेट के सच्चे लेजेंड हैं। उन्होंने कहा कि इस सर्वे के स्तर को समझने के लिए इसे 32 दिनों में 40 लाख बार देखा गया, जिससे पता चलता है कि इस देश में क्रिकेट की लोकप्रियता कितनी है और ये कभी खत्म नहीं हो सकती। बता दें, एमएस धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 2004 में डेब्यू किया था और 15 अगस्त 2020 को संन्यास की घोषणा की थी। एमएस धोनी ने अपने क्रिकेट करियर में 350 वनडे, 90 टेस्ट और 98 टी20 मैच खेलने के बाद रिटायरमेंट ले ली थी। इस समय वो आईपीएल 2020 में खेल रहे हैं, जहां वो सीएसके की कप्तानी कर रहे हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।